आज पुलिस लाइन सभागार में एसपी त्रिवेणी सिंह और सीओ सदर मोहम्मद अकमल के नेतृत्व में स्कूल प्रबंधकों की एक बैठक किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आजमगढ़ जिले में ट्रैफिक व्यवस्था और स्कूल बसों में प्रेशर हॉर्न को लेकर था। बैठक में स्कूल प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिया गया कि गाड़ियों को रोड पर न खड़ा किया जाए और स्कूल बस ड्राइवरों को बस से प्रेशर हॉर्न निकलवा दिया जाए। आपको बता दें कि आजमगढ़ में आए दिन जाम लगा रहता है। इसी कड़ी में सीओ सदर मोहम्मद अकमल ने कहा कि जो स्कूल प्रबंधक इसका पहल नहीं करेगा उसके गाड़ी का चालान काटा जाएगा और गाड़ी भी सीज किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देखिए, जिला आजमगढ़ में जो है हम लोगों ने देखा था कि जो स्कूल बसेज और स्कूल के व्हीकल्स जो चल रहे हैं बच्चों को ले आने के लिए, उसमें जो एक निर्धारित मानक है जो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है, उन मानकों के अनुरूप जो है यहाँ पर वो वाहन नहीं चलाए थे बहुत सारे स्कूल्स में। तो हमने सारे स्कूल्स के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों की यहाँ पे एक मीटिंग हमने कॉल की है और इन सभी को जो है हमें अवेयर करना था कि जो हमारे जो मानक हैं वो क्या हैं, वो रेगुलेशंस क्या हैं। अभी हाल ही में जो है मोटर वाहन की जो स्कूल संबंधी नियमावली है उसको अपडेट किया गया है मई में, उसको भी जो है इनको अवेयर करना था और इसकी इनको ये भी बताना था कि इनके स्कूल के स्तर पे भी जो इस संबंध में इनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हमें अपडेट करना था जिसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें बेसिकली जो है उस नियमावली को बताया गया, साथ साथ जो है प्रेशर हॉर्न को बहुत सारे जो है गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न की शिकायतें मिल रही थी, उनको जो बताया गया कि ये उनको हमने 2 दिन का टाइम दिया है कि संडे तक जो है वो प्रेशर हॉर्न निकाल लिया जाए सारी गाड़ियों से और जो भी मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो है जो भी नियमावली में है जो सारी चीज़ें हैं जो सारे प्राविधान हैं उनका जो है अक्षरशः पालन किया जाए। डेफिनेटली जो है चालान किया जाएगा और जो भी विधिवत होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल, अगर गाड़ी सीज करने की बात आएगी तो गाड़ी भी सीज की जाएगी।